मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चलन। दोस्तों आज हम लोग स्टॉक आइटम के साथ में वाउचर इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास स्टॉक आइटम है और अभी इसमें सीट में एक और अपडेट मैंने किया है कि आप यहां पे जैसे आप कुछ अल्टर कर देते हैं टैली में वाउचर वगैरह, जैसे जीएसटी सेल के नाम से आपने वाउचर बना रखा है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर वाउचर का नाम भी आप डाल सकते हैं सीट में। यहाँ पर जैसे आपने जीएसटी परचेज करके बना रखा है तो उसको आप जीएसटी परचेज यहाँ लिख सकते हैं, और स्टॉक वाली सीट में जो यहाँ पे हम वाउचर के साथ जो स्टॉक इंपोर्ट करते हैं उसमें मैंने गोडाउन नेम भी ऐड किया है। आपका कौन से गोडाउन से सामान निकल रहा है वो भी आपका आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं एंट्री करके। ये हमारे पास डाटा है, ये वाउचर है मेरे पास और ये उसका स्टॉक है। यहाँ पे मैंने i3 जैसे दो बार लिख के रखा है तो ये दोनों मतलब फर्स्ट वाले वाउचर के स्टॉक हैं, और i4 सेकेंड वाउचर में जैसे तीन स्टॉक हैं ये सेकेंड वाउचर के i4 हो गए। आपको इस हिसाब से कैसे अगर सेपरेट करना है, मान लीजिए आपका इसी में आइटम भी ऐड है, साइड में आइटम भी इसी में अगर ऐड है, बहुत सारे नंबर्स हैं एक ही इनवॉइस के, तो आप मेरा पूरी पिछला वीडियो देख सकते हैं एक्सेल ट्रिक्स करके है, उसमें आपको और अच्छे से थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसको अपनी सीट में हम डालते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले ये एडवांस आइटम सेल इनवॉइस है, यहाँ पे आपको जो वाउचर लिखना है आप उसको लिख लीजिए। पहले यहाँ पे हम सेल्स लिखेंगे, ये सेल्स के लिए है खासकर, सेल्स इसमें बहुत अच्छी एंट्री होती है। आपका पीरियड आपका सेलेक्ट कर लीजिए जब का आपका पीरियड है। यहाँ पे आपका वाउचर नंबर डाल देंगे, सबसे पहले हम वाउचर नंबर उठा लेते हैं। ये करीबन 206 वाउचर हैं, ठीक है। उसके बाद डे डालेंगे और मंथ डालेंगे। चलिए डे और मंथ मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि टैली मेरा एजुकेशनल वर्जन है। आप लोग अगर ट्राई इसमें क्रैक में यूज कर रहे हैं या टैली आपका लाइसेंस है तो आप उसमें कोई सा भी डेट डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर रेफरेंस नंबर देना है सेल इनवॉइस का तो आप इनवॉइस नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे एक तो वाउचर नंबर हो गया, चलिए मैं रेफरेंस नंबर में भी वही सेम डाल देता हूँ। अब आपका नेक्स्ट है लेजर, ये हमारे लेजर हैं, ये आपके टैली में होने चाहिए क्रिएटेड, इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको सेल कर रहे हैं तो हमारा ये डेबिट हो जाएगा। ये डेबिट हो गया, अब यहाँ पे इसका अमाउंट डाल देते हैं। और आपका सेल लेजर आपने किस नाम से बनाया है वो आप सेल लेजर डाल दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे जैसे जीएसटी सेल करके मैं डाल दे रहा हूँ। और ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। बाकी में भी आपका ये क्रेडिट ही रहेगा। सीजीएसटी एसजीएसटी में एक साथ ही किसको पेस्ट कर लेते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए यहाँ पे अमाउंट डालेंगे, ये हमारा बेसिक वैल्यू का जो हमारा सेल्स अकाउंट में जाना है, ठीक है। हमारा जीएसटी लेजर, इसमें कुछ 9% है, कुछ 14% भी है, इसको हमें टैली में क्रिएट करना पड़ेगा, बाद में हम कर लेंगे उसको।
ये हमारा सी जी एस टी एस जी एस टी का अमाउंट सेम रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे बाकी सी जी एस टी एस जी एस टी हो गया। अब यहाँ पे राउंड ऑफ एक डाल देते हैं। आप अगर राउंड ऑफ को प्लस माइनस के साथ में ही आप पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ है बिना डेबिट क्रेडिट किए हुए, तो आप सीधा सीधा इसको कॉपी करिए और अमाउंट में पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे आप कोई इफेक्ट डेबिट या क्रेडिट देने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा सीधा प्लस माइनस है तो आप वैसे ही आप पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नरेशन दे दीजिए, कोई सा भी आपका जो आपने नरेशन क्रिएट किया हो, मैं इसी को दे देता हूँ, अपना इनवॉइस नंबर ही डाल देता हूँ नरेशन की जगह में। और बाकी आपको अगर कुछ कंसाइनी डिटेल वगैरह देना है, डिस्पैच डिटेल उसका देना है, ठीक है, तो वो सब भी आप डाल सकते हैं। अब हम स्टॉक आइटम डालेंगे। ये हमारी सीट में स्टॉक आइटम है। यहाँ पे हमें ये सी जी एस टी एस जी एस टी परसेंटेज की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा वैल्यू है, ये उसकी क्वांटिटी है। हम यहाँ से सीधा इसको उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम स्टॉक वाली सीट में जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। आपको क्वांटिटी भी है, क्वांटिटी को भी हम ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आपको रेट वगैरह कुछ डालना है तो आपको रेट कैलकुलेट करके डालना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं रेट और यूनिट नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि इसको कैलकुलेट करूँगा और मुझे टाइम लग जाएगा। सीधा सीधा मैं ये बेसिक अमाउंट जो है ये उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब आपका गोडाउन नेम कैसे करेंगे? गोडाउन अगर आप मेंटेन नहीं करते, अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे करेंगे। चलिए मैं एक नई कंपनी एक क्रिएट कर लेता हूँ। ए बी सी डी करके मैंने एक नई कंपनी क्रिएट कर लिया। इसमें आप जीएसटी वगैरह जो भी आपको इनेबल करना है आप इनेबल कर सकते हैं। गोडाउन इनेबल करने के लिए आप F11 करेंगे, इन्वेंट्री फीचर में जाएंगे और यहाँ पे आपको दिख रहा है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, इसको यस करेंगे। अगर आप गोडाउन मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सीट में गोडाउन का नेम डालना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम इन्वेंट्री इन्फो में जाएंगे। यहाँ पे आपको गोडाउन अभी दिख रहा है, आप यहाँ से गोडाउन कोई सा भी आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आपका पहले से टैली में मेन लोकेशन करके मौजूद रहता है। अगर आप कुछ नया गोडाउन क्रिएट करना चाहें तो उसको भी आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब और भी अगर आपके गोडाउन है तो और भी आप गोडाउन बहुत सारे क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे गोडाउन का नेम डाल देते हैं, कौन कौन सा कहाँ से गया है। मान लीजिए एक आइटम आपका मेन लोकेशन से गया है, I3 में दो आइटम है और दूसरा आइटम कहीं और से गया हुआ है, तो आप अलग अलग गोडाउन के नेम भी डाल सकते हैं। आपके कौन से गोडाउन से कौन सा आइटम निकला हुआ है आप उसको भी कॉपी पेस्ट अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए बाकी में भी मैं सभी को पेस्ट कर लेता हूँ। आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो आपका सेल्स इनवाइस का बेसिक अमाउंट से मैच करना चाहिए। आपका एक इनवाइस में टोटल अमाउंट कितना है अगर आप गोडाउन आप टैली मेंटेन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको गोडाउन का नाम डालना ज़रूरी है। अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, ये हमने गोडाउन का नेम डाल दिया। अब ये तो हो गया, लेकिन अभी हमें आइटम के नेम, अभी हमने नई कंपनी खोला है तो इसमें हमारे लेजर नेम और आइटम नेम अभी है नहीं, तो हम लेजर नेम और आइटम नेम क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए लेजर में कुछ नहीं है और यहाँ पे आइटम में भी हमारा अभी एक भी नाम नहीं है, तो हम लेजर का नेम और आइटम नेम भी क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी सीट है, हम यहीं से लेजर को उठा लेते हैं। जो जो हमें लेजर की ज़रूरत है उसी को हम कॉपी करेंगे अपने, ये यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट लेजर में इसको पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और भी कौन से हमारे लेजर हैं CGST SGST वाले, उसको भी हम यहीं पे डाल देते हैं। CGST 9% था और SGST, और सेम हम 14% वाले को भी ले लेते हैं। ये हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स में आ जाएंगे। और एक हमारा जो सेल्स लेजर है, GST सेल्स करके उसको डाल देते हैं, और एक राउंड ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे GST सेल्स करके डाला हुआ है। ये हमारा एक सेल्स अकाउंट में आ जाएगा। और ये एक्सपेंस में आ जाएगा या इनकम में, जिसमें आप, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ये तो हमारा लेजर हमने फिल कर लिया, इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ये हमारी फाइल मास्टर XML जनरेट हो गई है। मास्टर करके यहाँ पे हम इसको पथ कॉपी करेंगे। टैली में जाएंगे, यहाँ पे इंपोर्ट डाटा मास्टर, यहाँ पे ऐड कंट्रोल वी करेंगे और इसको, ये हमारे लेजर इंपोर्ट हो गए, ये सारे लेजर आ गए। अब हम सेम स्टॉक आइटम के लिए भी कर लेंगे, वैसे ही स्टॉक आइटम वाली सीट में ये हमने स्टॉक आइटम यहाँ पे डाल दिया, जो हमारे स्टॉक आइटम है यहाँ पे हमने ग्रुप डाल दिया। यूनिट नेम डाल देते हैं, यूनिट नेम आपका जैसे यहाँ पे है यूनिट्स ऑफ मेजर, आपके जो यूनिट्स हों आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। ये हमारे यूनिट आ गए। आपका अगर HSN कोड वगैरह कुछ है तो आप HSN कोड डाल दीजिए। ठीक है,
IGST अगर कितना है, IGST CGST आप वो भी आप सब डाल सकते हैं, कौन से आइटम में कितना है। अगर सेस अगर कुछ है तो आप सेस भी डाल दीजिए, ठीक है। अब हम इसको जनरेट कर लेते हैं, ये जनरेट हो गया हमारा स्टॉक। टैली में जाएंगे, इंपोर्ट ऑफ डाटा मास्टर में जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम डालना है। ये हमारा स्टॉक आइटम इंपोर्ट हो चुका है, देखिए हमारे सारे स्टॉक आइटम आ गए, ठीक है। अभी हमने लेजर और स्टॉक आइटम इंपोर्ट कर लिया, अब हम वापस जाते हैं इनवाइस में। ये जो हमने डाल के रखा है यहाँ पे, अब हम इसको स्टॉक आइटम के साथ में इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारा डाटा अब जनरेट हो रहा है, बस कुछ ही समय लगेगा इसमें। और दोस्तों ये हमारी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है, अब हम इस एंट्री को इंपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे वैसे इंपोर्ट ऑफ डाटा में जाएंगे, वाउचर में जाएंगे, और ये जो हमारी एंट्री है ये सेल्स करके आ गई है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। अब हम यहाँ पे, हमारा सेम फोल्डर में है, हम यहाँ लास्ट में सेल्स कर लेंगे, और ये हमारी एंट्री, जैसे इंटर करेंगे ये सारी की सारी एंट्री हमारी इंपोर्ट होके आ जाएगी। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, या तो आप डे बुक में जाके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका सेल्स अकाउंट देखिए, ये जो है सारी एंट्रीज हमारी आ गई है। यहाँ पे वाउचर नंबर आपको अगर मैनुअल करेंगे तो आपका वो वाउचर नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं किस तरीके से दिख रही है। ये हमारा इनवॉइस नंबर हो गया, इस पार्टी को जा रही है, ये हमारा जीएसटी सेल हो गया, ये इतने सारे आइटम आपके ऐड हुए यहाँ पे, आपका सीजीएसटी एसजीएसटी और लास्ट में राउंड अप। और कुछ भी है अगर आपका तो यहाँ पे सेल्स में और भी बहुत सारे लेजर हैं, आप बाकी भी डिटेल आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्रांसपोर्टिंग चार्जेज वगैरह कुछ है, शिपिंग कास्ट कुछ है, और ये हमारा नरेशन आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से आप एंट्री इंपोर्ट कर सकते हैं, और एक ही बार में आपका हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं लिंक दे दे रहा हूँ डाउनलोड करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियो ऐसी आने वाली है। थैंक यू।